इंसान
चार किताबें आसमान से नाजिल, जितने शरीफ नाजिल है उनका मकसद हिदायत इंसान, और इस हिदायत के लिए अल्लाह ने दो कानून बनाए, एक हिदायत देने का, एक हिदायत लेने का। मुझे यहां पे ये कुछ आमस मैं अरसान यही कहता हूँ कि रसूल अल्लाह ने फरमाया है उधर अगर जन्नत जाना चाहते तो कुछ आमस। मुझे यहाँ पे बड़ा लुत्फ आता है इस बारगाह में जब आपके सामने इस पंक्शन से होगी तो मुझे भरपूर गुफ्तगू करने का मौका फराहम होता है, और तादाद आपको पता है मैं इस चीज का भाई भी नहीं, क्योंकि मानता हूँ उस हुसैन को जो तादाद का सही मयार का। और उसकी सबसे बड़ी दलील करबला, करबला में एक तरफ 9 लाख थे एक तरफ 72 थे, जो 9 लाख थे वो तादाद थी, जो 72 थे मयार था। तो अब आप 72 के मयार पे हैं, समझ रहे हैं? मुझे जो दो कानून है, एक हिदायत देने का, एक हिदायत लेने का। जो अल्लाह ने हिदायत देने का कानून वो इस्मत, और हिदायत लेने के लिए जो कानून है वो तक्वा। हिदायत देने के लिए मासूम होना शर्त। जरूरी क्यों करा, मलाइका को मासूम क्यों बना?
अब इसके पीछे फिक्र क्या है और इसके पीछे राज क्या है? देखिए शरीयत में यह हुक्म है कि नमाज फजर के बाद तुलू शम्स तक जाना है, यानी आपने नमाज फजर पढ़ी उसके बाद जब तक सूरज ना निकले आप कुरान पढ़ें, तिलावत करें, ज़ियारत पढ़ें, तस्बीहात पढ़ें, ताकीबात। मासूम से पूछा गया मौला शम्स के निकलने तक क्यों जाके? फरमाया उस वक्त रेस्ट तकसीम होने का वक्त होगा और जो उस वक्त जागता है वो पाता है, जो सोता है ये अब एक तो खोने वाला पोता हो गया, बाकी विवाह का तकद्दुस है और वैसे भी तो उसमें कोई आर नहीं है क्योंकि अल्लाह ने इसके दरवाजे खोल के रखे और बंदा बांध करके सो जाए, उससे बड़ा बदकिस्मत क्या हो। लेकिन इसमें जो बात है अल्लाह उस वक्त रिस्क तकसीम करता और वो बंदा हो खैर राजकी, यानी राजकों में से इसका मतलब और राजक है ना। आप परेशान हो गए, अल्लाह ने मां को राजक बनाया। देखिए दो खसूसियत ऐसी हैं जो मां में है उसके बारे में, मां बराह रास्त रिस्क, दूसरा मां की खसूसियत सिर्फ सबसे देर में नाराज होती है, सबसे जल्दी राजी होती है। किसी को भी पता नहीं चलता कि अल्लाह का ये विधान है कि देर से नाराज होता है और जल्दी राजी होता है। अगर आपका मेरा मौला अली बादशाह दुआए कुमैल तालीम न फरमाता, उसमें निचोड़ रखा अली या सरी कर देता एक फिर मामला या मेरे को लगता है सबसे जल्दी राजी होने वाला, उसे बख्श दे, उसकी मफरत कर दे, जिसके पास दुआ के अलावा कुछ नहीं। बंदे कहते हैं जी ये अली बादशाह दुआ का सलीका सिखाया है दुआए कुमैल में, लेकिन लोगों को फिर इस राज का पता नहीं चला, दुनिया को कैसे पता चलता कि वो नाराज देर से होता है और राजी जल्दी हो जाता है। ये सिर्फ वो बता सकता है जो उसके मिलाद से वाकिफ हो। पता होता नहीं 40 में दिन होता तो
کہ معصوم کو جو اللہ کا وعدہ پورا ہے. اچھا اللہ نے وعدہ قرآن میں کیا ہے کہ مومن تجھے جنت دوں گا, کافر تجھے جہنم دوں گا, اور نبی فرما رہے ہیں کہ علی جنت اور جہنم تو تقسیم کرے. یعنی وعدہ اللہ کا پورا معصوم کرے گا. اللہ نے کہا کہ میں کوثر کے جام پلاؤں, اب وہ کوثر حوضہ کوثر پر خود تو نہیں, جام کا وعدہ اس کا پلانے والا معصوم. نہیں تو مجھے فرمائے دیکھیے وعدہ وہ کر رہا ہے پورا معصوم کرے, اس کا مطلب ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان, معبود اور عابد کے, مسجود اور ساجد کے درمیان کسی ایک کا ایسا ہونا, کسی ایسے کا اللہ اور بندے کا ہونا, اللہ اور بندے کے درمیان کسی ایک کا ایسا ہونا, یہ قسمت کی ضرورت. توجہ نہیں فرمائی جاتی, دیکھیں آپ میں آسان کر دوں بات شاید مشکل ہو گئی, کسی ایک معصوم کا ہونا ضروری اس کے اور بندے کے درمیان, وہ ہے واجب البدل, ہم ہے ممکن البدل, وہ ہم تک آئے تو واجب نہیں, ہم اس تک جائے تو ممکن نہیں. نہیں تو مجھے فرمائیں, یعنی وہ آ جائے تو مسجود نہیں, ہم چلے جائیں تو ساجد, وہ آ جائے تو معبود نہیں, ہم اس تک جائیں تو عابد نہیں, وہ ہے واجب البدل, ہم ہے ممکن البدل. اب کسی ایک کا درمیان میں ایسے کا ہونا ضروری ہے جو ظاہر میں ممکن جیسا ہو, کمال میں موجود جیسا ہو. اچھا یہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا
गोरखी खानों में नहीं, खेत खलियानों में नहीं। अल्लाह कुरान में कहा तुम्हारा रेस्ट, रेस्ट को तुम सबका रेस्ट आसमान में, यानी वो आसमानों से रेस्ट भेजता है, तुम्हारा रेस्ट आसमानों से आता। फजर के बाद जागना फरिश्ते काम लेके आते, आसमानों से लेके आते ना, फसल काट के तो नहीं दे देते आपको खा लेना, यानी जो तुम्हारे से करे के आसमान में है और वो तुम तक आ जाता है, अल्लाह भेज कर राजी साबित होता। तो अब फेकर गौर करने की किबला बात यह है, हमारा रिस्क है आसमान और वहीं से आता है, तो ये आसमानों में जाता कहां से? पांच रोटियां, अब मेरे दिल में ऐसे है कि हो सकता है फरिश्तों ने कहा
वो पांच रोटियां जो आसमान में थी वो तो ईसा की कौम को दे दिया। क्या करें, तब अल्लाह की आवाज आई होगी जब फातिमा के घर से पांच और ले रहा भी आए। मैं वो बात ही नहीं करता, लोग कहते हैं बैसी पे क्या,
अब जनाबे सैयदा के घर में जनाबे फिजा, फिर जनाबे सैयदा बतूर है, ताहिरा ही नहीं मुताहिरा, ताहिरा वो जो गोद को पाक रखे मरियम ताहिरा है। हमने तुझे तेरी तहारत पे चुना, मरियम मुताहिरा नहीं। शरीयत का काम
ईसा ने हाथ उठाए तो खाना आ गया और ये कौन है जनाबे सैयदा की करीम। अब मेरे हाथ बने हुए हैं हर उस बंदे के सामने जो इनकी इस्मत का कायल है या इनकी इस्मत पे हाथ फैलाता है। दोनों से झगड़ा नहीं, मैं अपनी दलील रखने लगा, बस मेरी दलील को अपने कानों तक जगह तक दीजिए ना कि हाथ उठाकर खाना मंगवाने वाला मासूम और फिजा कह लिया नबी की दावत मेरे घर पे है, मेरे अल्लाह का इनाम का सुल्तान मेरे घर आया है, आसमान से खाना नाजिल हो गया। यानी कितनी ताकत है सैयदा की कनीज की कि वो आसमान से हाथ बढ़ा के खाना मंगवा लेती है। तो जिस फातिमा की कनीज की इस्मत का ये आलम है उसके पास के जलवे क्या हो गए। अच्छा दूसरा जो गैर मासूम है हम जैसे, मैं इस्मत की
नहीं करो। आज बात इसमें क्या चले आगे भी शायद कर सकते हैं, लेकिन इसमें हिदायत और तकवे पे चलती जाएगी बात। अच्छा, जो पैदा हो वो लाइव एक दलील, दूसरी पैदा होने वाला अपने साथ तीन नजासतें, ये अल्लाह ने कानून बनाया ताकि जहन में खन्नास था, पैदा होने वाला तीन नजासतें देखता। तो सारे चुप कर गए, नहीं चौथी नजासत तो क्या करूं।
मारना जा इतनी इसकी लबों की जुम्बिश पे तौहीद खड़ी उससे कलाम फिक्र शहीद मोहसिन नकवी साहब को पढ़ दो वसायत की आली कदाम की दर्जा मोहम्मद की इकलौती बेटी ने मुसल्ले पे रात बड़ी बेचैनी में अभी मैंने आपके सामने तस्करा किया सूरत है अक्षो में रोटियां दे फरिश्ते साहब के खड़े अजमत बतूल सारी रात फजर पड़ी है इसलिए और अली सारी रात थे फजर की नमाज खत्म हुई अली खा फिर वो ख्याल था बेटा अली बादशाह ने पूछा सैयदा सारी रात बेचैन देखा फजर के बाद किया किस बात की बेचैन कायनात को रेस्ट तकसीम करने वाली अमीर अल मोमिनीन की तरफ देख के कहते या अली आज दरबार जाना है मुझे इतना बता सवाल कैसे यार इस फरिश्ते मेरे दरवाजे के फिकार में अर्श मेरे टुकड़ों पे फुल दरबार भी वो था जहां जाती थी तो कायनात का मालिक ताजीम करे सिर्फ नबी ने बाप ने रिसालत उठ के खड़ी हो जाए किस्मत के साथ दरबार बीबी गुजरे वाले दरवाजे से कलीजों के झुरमट से खर्च निकली गली ताकि समान ना देखे फातिमा दरबार पहली बात तो इस बात में मर ना जाए मत जो दलीले मांग क्यों दाना पड़ गया मोहम्मद मुस्तफा सरकार इमाम नासिर बासर में उस्ताद मोहतरम उनकी दर्जात बुलंदी के लिए भी एक बात उनका पढ़ उनके इलाके में फरमाते बंदा साबड़ी वाला शिया मेरी बात पर रब्त आ गया तो मैं कर वो कहते थे मुझे बड़ा इश्तियाक होगा तो जो बंदा कहते था मैं शिया हो गया मैं जान उससे पूछता था तू कैसे हुआ काम ने छापड़ी वाले से पूछा कैसे शिया हो गया उसने कहा शिया दा का हाथ तो कहते मेरा तजस्सुस बढ़ गया मैंने कहा हुआ क्या उसने कहा छापड़ी लगा के पतीसा गली 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 गई था मजलिस की रश देखा पतीसा रख वहां खड़ा था गुजारे पढ़ रहा था उसने कहा नबी की बेटी दरबार से खाली बात सोन पहले भी रखा था कि ये इस तरह की बातें करते हैं कहा मैंने वहां से अपना था छाबड़ी उठाई मैं चल पड़ा इस गुस्से जब देखो इन्होंने एक बात खा रहा है अल्लाह जाने मेरे अंदर बेचैन कैसे पड़ी बीवी ने कहा खाना मैंने कहा खाना तबीयत बेचैन कभी बैठू कभी उठू कभी लेटू आगे फैसला किया मस्जिद में मौत से कहते मैं मस्जिद चला गया जैसे तैसे मुझे वुज़ू आता था मैंने कर नमाज से फारिग होकर नमाज निकले मौत के पास मैं मैंने कहा किबला सवाल एक है चिट्टा हम पढ़ मुझे तो किताब का नाम पढ़ना तो क्या सुनने का भी सलीका सवाल एक है मेरे अंदर है अब मेरा जिगर फाड़े उसने कहा हुआ क्या उसने कहा सिर्फ इतना बताइए मोहम्मद की बेटी दरबार गई थी अशरत बादशाह जी क्या अमर काम है अयामे अदा से कम रहते नहीं अयामे अदा से कम रहते नहीं अशरे पे यौम अशूरा हुसैन की गुरबत हुसैन की गुरबत पर
ये वो अश्रा है जो हुसैन पे गुर्बत। अल्लाह जाने क्या किस्मत है लहरा की। इमाम हुसैन बादशाह आपको इस आय से शिफा दे मातम में और क्या बता कर बाबा जी ने कहा शदीद जख्म। मैं इसी जुमले को मशाय मुकम्मल करूंगा लेकिन उस छापरी वाले की बात कहता मौलवी साहब ने पूछा मोहम्मद उसने कहा तू कोई शियों की मजलिस से हुआ है और मैं कहा मैंने शिया की बेटी की बात नहीं की। चेहरा जख्मी था
जिस बंदे को बेटा समझ में आया है वो सैयदा का मातम करे मोहम्मद की बेटी का, और मैं बार बार मोहम्मद की बेटी कह रहा हूँ, अगर मेरी आवाज नहीं तक जा रही तो सबको पता चले कि मोहम्मद मुस्तफा की बेटी का तस्करा हो रहा है, कोई तो सोचेगा ना कि मोहम्मद की बेटी थी तो मारा किसने था। जितने बंदे बैठे जाना इतना चेहरा रख रही था, एक रुखसार पर सैयदा ऐसे चादर रखा करती थी ताकि मेरे जख्म मेरी औलाद ना देख सके। एक दिन तस्वीर पढ़ रही थी, जख्मों से चादर थोड़ी सारी हट गई, सामने से हसन को दरवाजे से आते हुए देखा, बीबी ने हसन को देख के चादर जख्मों पे करने की कोशिश की, या तेज कदमों से हसन आके चादर पे हाथ रख के कहता है मुझसे न छुपाया कर मेरे सामने तो मार दे, मुझसे न छुपाया कर मेरे सामने तो मार दे। आयतुल्लाह जाफरी के सूफी फरमाते हैं आखिरी वक्त में बात को पढ़ के बात लेने का तेरा मेरा अली बादशाह, और यहां के कहते हैं आओ बाप आखिरी दीदार तेरे फिर महशर में तुम्हें पाते हैं। आयतुल्लाह फरमाते सबसे पहले हसन ने आके मां के जनाजे से लिपट कर इतनी शिद्दत से रोना शुरू किया, अली जैसा शेर तरफ के कहते हसन खुद को संभाल, वो देख हुसैन नाच कर गया है, वो देख पहले के बाल फूल गए हैं। आयतुल्लाह कहते हैं मां का जनाजा छोड़कर बाप के सीने से लिपट कर हसन इतनी शिद्दत से रोया, तो अकेली मां था जो कि कहते हसन किस दर्द ने इतना रोया है, रो के कहते काश आप दरबार में होते, आप देखते दस बारह बदमाशों ने हल्ला बनाकर मेरी मां को मारना शुरू कर दिया, किसी के हाथ में दादिया ना था, किसी के हाथ में दूरा था, कोई तमाचे मारता था, कभी फिर रोकती थी कभी